जुमे के नमाज के बाद हुई हिंसक प्रदर्शन करने वाले शायद भूल गए थे कि ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ अगर हिंसा करोगे तो पाताल से भी योगी जी की पुलिस ढूंढ निकालेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी, और ऐसा हो भी रहा है। हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए 95 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मुख्य आरोपी जावेद पंप के साथ ही 67 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। उसके अलावे 5000 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। उसमें से कुछ लोगों की तस्वीर साफ दिख रही है जो हिंसा में लगे हुए थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन काफ़ी लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो आरोपियों को पाताल से भी निकालेगी। पुलिस प्रशासन ने उन सभी लोगों की तस्वीर सोशल मीडिया को दे दी है और उनके साथ ही प्रदेश में जगह जगह उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी ताकि वे आरोपी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो सके। भाई देखिए, ऐसा कि जो चिन्हित किए जा रहे हैं उनको उनका पोस्टर लगेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जाएगी, बस इतनी बात है। इसमें जो है क्या कुछ बताइए, ये पोस्टर क्या चौराहों में भी चिपकाए जाएंगे? अब ये देखिए, जो अभी जब चिपका दिए जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे, तो आप उसी सारा देख लीजिएगा, उसे करवा के। बानवे लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद 40 और लोगों के नाम बहुत ही क्लियर हैं, नाम पते उनके पीछे पुलिस काम कर रही है। वो घरों से भागे हुए हैं, फरार हैं, लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अगर वो पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए तो NBW जारी करा के 82-83 की कार्रवाई कराते हुए उनके घरों की कुर्की की कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा 45 ऐसे वीडियोज़ और फोटोज़ मिले हैं जिनमें क्लैरिटी है कि वो उपद्रवी ईंट फेंक पत्थर फेंक रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं। उनके वीडियोज़ को फ़ोटोज़ को ऑन रिकॉर्ड लेते हुए पोस्टर बनाया गया है और सोशल मीडिया में मीडिया बंधुओं को कुछ पोस्टर भेजे भी गए हैं। बाकी उनकी हार्ड कॉपी निकाल करके अभी 1-2 घंटे के अंदर चस्पा कर दिए जाएंगे। करीब 50 ठिकानों पर ये चस्पा किए जाएंगे ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके, उनका डिटेल मिल सके और उनको ऑन रिकॉर्ड लेते हुए उनको बुक किया जा सके। सर, पैसा आपके द्वारा दिया गया है, सर्च के दौरान जो उसके घर से आधा फटा हुआ पन्ना मिला था वो क्या पूरा प्रकरण? जब जो अभी तक मुख्य अभियुक्त के रूप में उभरा है मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप, उसके जब घर का ध्वस्तीकरण नियमानुसार किया जा रहा था उस दौरान सर्चिंग हुई थी, तो पुलिस को मैंने बताया था कि आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं जिसमें असलाह, कारतूस और कुछ पर्चे, कागज़, बैनर, पोस्टर, किताबें थीं। उसमें एक फटा हुआ पर्चा मिला है जो टाइप शुदा है और उसमें लिखा है कि 10 जून को जुम्मा के दिन अटाला पहुँचना है और वहाँ पर भीड़ लगानी है, एकत्र होना है और उसमें जो बाधक बनेगा, अड़चन बनेगा, उस पर वार करना है, अदालत पर हमें भरोसा नहीं है, इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं और उसको सीज किया गया है। उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा, तफ्तीश किया जाएगा ताकि सबूतों के साथ लिखा पढ़ी करते हुए आगे की कार्रवाई की जा सके। योगी जी की इतनी सख्त कार्रवाई से कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन योगी जी के काम करने का अपना ही तरीका है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।